परिवार के ही सदस्य हैं, इनको कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसे कारण रहे हों जिसके कारण इन्होंने अपना घर छोड़ा हो, अब हम कभी ऐसे कारण इनके समक्ष उपस्थित नहीं होने देंगे कि इनके मन, इनके भाव, इनके विचार बदलें। ये हमारे परिवार के ऐसे सदस्य हैं जिन्हें हमें थाम कर रखना है। जितने भी इस परिवार में जितने भी बुजुर्ग माताएं हैं या दादाजी हैं, वो जरूर मंच पर आ जाएं। जितने बुजुर्ग हैं हमारे सेवादार साथी, जितने भी हैं वो, उनको जरूर मंच पर भेज दें। जो बुजुर्ग माता हैं जो इन परिवारों से आई हैं, इनमें ज्यादातर जो परिवार हैं वो सागर जिले के ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, और अनेक परिवार जो हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के कुछ लोग हैं, कुछ वनवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं। ऐसे सभी लोगों का इस परिवार में हार्दिक स्वागत है। सिर्फ वही लोग मंच पर आएंगे जो ऐसे परिवारों से हैं जिनकी आज पूज्य गुरुदेव भगवान के इस पावन मंच पर श्रीमद् भागवत कथा के मध्य घर वापसी हो रही है। संक्षिप्त में सभी लोग मंच पर एकत्रित हो जाएं और तदुपरांत आज की कथा का प्रवाह आगे बढ़ेगा। आज का ये आयोजन निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। इस आयोजन में अनेक बरसात के कारण अनेक असुविधाएं निर्मित हुई। मंच पर आने में आपके पैर मिट्टी में सन गए होंगे, कई जगह बैठने में असुविधा हो रही होगी, लेकिन ये देखिए इतनी असुविधा के बाद भी आपका मन आनंदित है, प्रफुल्लित है। यही होता है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। अगर आपकी दृष्टि भक्ति की है, भाव की है, प्रेम की है, तो फिर आपके देखने का नजरिया और सृष्टि भी बदल जाती है। और आज हम सभी को